और यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं और आज हमारी मशीन भी आ चुकी है, एक मशीन आई है। यहाँ पे ना सर सबको एक एक करके आगे खड़ा करके पढ़वा रहे हैं। अभी नहीं मानने की बारी है, मैंने तो पढ़ ली है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई चल रही है। आपकी सिलाई मशीन में आप जब एक बार कपड़ा लगाते हैं तो एक ही टाका देती है। सबके मुंह में खुशी है, एक स्कूल आते समय होती खुशी और एक जाते समय की खुशी है। सॉरी तो खुशी खुशी है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है। यहाँ पे मसाले भी डाल दिए, जीरा, धनिया, हल्दी और साथ में डाल दिया नमक। दिया ने मुझे जबरदस्ती ले आई है और यहाँ पे से डोनट पैक करा रही है। देखो कितने बड़े बड़े डोनट आए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है, सुबह 11:10 हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अपनी ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये भावना देखो आप पीछे से आ रही है, तो पीछे सब अपने काम में लगे। हल्ला बुल गया, हल्ला सुन के आपको पता चली गया होगा कि ट्रेनिंग सेंटर में हूँ मैं, कितना हल्ला बुला चल रहा है। यहाँ पे जेठानी लोग पहुँच गए और यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं और आज हमारी मशीन भी आ चुकी है, एक मशीन आई है। वो रही सामने जो सर हमें सिखाएंगे वो रहे, और ये रही मशीन। ये देखो इन तरीको कप्पू चप्पू मार रही है। ये सब के साथ नीमा दी भी पहुंच गई इधर। यहाँ देखो धनाधन टोपी बुनी जा रही है, टोपी है स्वेटर है चमेल से टोपी बुन रही है, कोई कुछ गप्पे शप्पे लगाए। तो अभी यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं सरस्वती मैया की फोटो के आगे। स्कूल की फीलिंग आ रही है जैसे स्कूल में होता था ना, अटेंडेंस लग रही है, सब ऐसा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ना सर सबको एक एक करके आगे खड़ा करके पढ़वा रहे हैं। अभी नीमा दी की बारी है, मैंने तो पढ़ ली है। नीमा दी की बारी है, नीमा दी पढ़ रही है अभी। यहाँ पे जो जो लिखा रहे हैं ना उससे दूसरे दिन रिविजन में पूछ भी रहे हैं। अनिता दी यहाँ पे बता रही है, बाघा आ गई है बिना उठाए। तो ये रहे हमारी सिलाई पर, जो आपको सिलाई सिखाएंगे। आज हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मशीन को किस तरह से लगाना है, सेट करना है, तो वही सिखाया जा रहा है। ये सिलाई मशीन ही है। तो यहाँ पे मशीन का स्टैंड लग चुका है, साथ में मशीन भी यहाँ पे लग चुकी है। तो अभी थोड़ा सा टाइल के चक्कर में थोड़ा सा ये मशीन तक पर डबक आ रही है, तो सर बोले कि ट्राई करते हैं पर जरा मशीन उछल के नहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। तैयार है ना, जैसे मशीन आएगी तो उसको पकड़ने के लिए मशीन की टांगे। यहाँ भी तैयार है ना, यहाँ भी तैयार है ना, ठीक है सब लोग। तो अभी इसको सर स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भाग रही है, चला रहे हैं तो 250 RPM के हिसाब से ये भी चलेंगे, उसी पूरे नाचेंगे 250 ही राउंड चलाएंगे, ठीक है। और ये धागे का नंबर है 670, ये बोबिन इसको बोला जाता है, बोबिन धागा। ये देखिए, ये हमारी सिलाई चल रही है। आपकी सिलाई मशीन में आप जब एक बार कपड़ा लगाते हैं तो एक ही टाका देती है, लेकिन हम जैसा चाहें लंबा छोटा बड़ा एक ही बात है। अब हमें कोई डिजाइन बनानी है तो फ्रेम को चलाना जरूरी होता है। पहले हम सिलाई से बता रहे हैं, फ्रेम को ही चलाना है हमने, ठीक है। ये मशीन नहीं चलेगी, हमें फ्रेम को ही घुमाना है, फ्रेम को घुमाना है। जैसे मान लीजिए, हाँ
ये हमारा बीच का हिस्सा हुआ, फिर हम इनको ऐसे करते हाँ। अब हम ब्रेक लेंगे, जो चीज हमने आपको बताया है ये ब्रेक जो हमारे पाँव के पास है ये किस चीज में काम आता है आप दिखाते हैं हम रोकने के लिए भर दिया ये उस चीज के लिए। अगर हमें कोई फूल बनाना है या बॉर्डर बनाना है या लेस लगाना है या हमें पीको करना है या मखमल का कपड़ा डिजाइन कटिंग करके हमें कहीं चिपकाना है तो हर चीज में काम आएंगे ये ब्रेक। ऐसे करके अगर हमें कोई पत्ती बनानी है इस तरह की ऐसे पहले सिलाई से ही आप यूज करिएगा या पेंसिल से आप यूज कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग ड्राइंग बनाएंगे हमें तो मान लीजिए हम तो कारीगर हैं हमें पता है कैसे पत्ती बनानी है क्या करनी है लेकिन सीखने के लिए अगर पहले से आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे तो उससे आपको आसानी होगी। ये कोई भारी चीज नहीं है आपने चलाया होगा दो दिन एक दिन फर्स्ट में सभी को परेशानी होती है आगे तो सीखना ही है आपको। हम यहाँ पे ट्रेनिंग दिया रही थी सिखाने के लिए बता रहे पैर धीरे रखो बहुत तेज रखो आज हमारा पहला जो प्रैक्टिकल था तो हमने ऐसे गोल गोल बना के उसको भरने थे तो हम सब लोगों ने आज से कर दिया। मेरी वारी भी आ चुकी है अभी ये मैडम कर रही हैं मेरा अला गोल था आपको सहचा रहो अब किसकी बारी है। हाँ बैठ जा तूने नहीं गया तो बैठ तूने नहीं गया तो बैठ वही तो अरे हेमा की बारी है हेमा पता नहीं कैसा गोल आगे वाला ऐसा हाँ हाँ हेमा रुक जा अभी रुक जाओ अभी रुक किसी का हाथ चला देगी तो बहुत गोल रहते उंगली चिपक गई वो उंगली से चिपक गई। और जिन जिन लोगों ने मशीन में कर लिया वहाँ पे बैठे हुए अभी बहुत तेज स्पीड की छुट्टी होने की खुशी सब लोग फटाफट निकल गए घर जाने के लिए सब लोग फटाफट घर जाएंगे खाना बनाएंगे जिसको ये भानो सबसे पहले भानो की तो दौड़ लगा रही है। ये देखो खुशी होते आ रहे सबके मुंह में खुशी है एक स्कूल आते समय उठी खुशी और एक जाते समय की खुशी है सारे तो खुशी खुशी है मैं भी खुश हूँ सब खुश है सब खुश है। चलो ठीक है ओके बाय मिलते हैं आप कल बाय 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 कल मिलेंगे। हाँ भाई देखो दोनों को मेरे घर पहुँचते कैसे बेचारे बोल रहे दोनों को बंद करके गई थी मैं घर कोई नहीं था दोनों ऐसे कर रहे हैं मेरे बच्चों नो नहीं 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 आगे ना हम आगे ना नो सैंडी नो जो नो 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 चलो नो। तो बस अब घर पहुँच चुकी हूँ 2:10 हो चुका है और आज मैंने लंच भी नहीं बनाया क्योंकि शायद पापा अपने वकीलों की किट्टी में मतलब किट्टी में गई पार्टी में गए हुए पिकनिक की तो मैं फटाफट यहाँ बनाती हूँ आलू मटर पुलाव बनाती हूँ शॉर्टकट बच्चे आ जाएंगे 15 मिनट बाद और मेरा कुछ भी नहीं हो रखा है और तो कुछ श्रेया को लग जाती है बहुत जल्दी तो बस वही करती हूँ। मैं भी रोटी खा के गई थी ट्रेनिंग के लिए मैं फटाफट बनाती हूँ लंच। तो मैंने यहाँ पे ले लिए खड़े मसाले जीरा है और बड़ी इलायची है साबुत इसे मैंने एक दो बार कट करके मार दिया है और तेज पत्ता है और दालचीनी है जो ये बड़ी इलायची है ये है हमारे फार्म हाउस में हुए थे इस बार और काफ़ी अच्छी मात्रा में हुए थे तो मम्मी वहीं से लेके आई है मिलने बड़ी इलायची तो बड़ी इलायची मुझे अब मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब सीधे हमारे फार्म हाउस में हो रही है अच्छी खासी। तो यहाँ पर हो चुका है घी गरम तो फटा से पहले तड़का लगाते हैं लेट भी हो रहा है फटाफट बनाना भी है बच्चे ना आ जाए तब तक और ये प्याज को फ्राई करते हैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के चावल मैंने धो दिए हैं यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और उसके बाद इसे भून लेते हैं
और ना झूमे प्याज लहसुन की मस्त खुशबू आ रही है और घी की भी। तो अभी यहाँ पे लेते हैं मटर, ये मैंने छील छाल के धो के अखरा के रखे हुए हैं फ्रिज पे स्टोर करके, तो यूज़ करेंगे खूब सारे मटर। ये मैंने डाल दिए खूब सारे मटर, मटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जो ये मटर को ना वापस फ्रिज में रख देते हैं, इसके ऊपर नैपकिन रख देती हूँ। मैंने इसके नीचे भी नैपकिन लगाई है, तब उसके ऊपर मटर रखें, तब जाके ऊपर से भी नैपकिन लगा दिए, जैसे ओस भी अगर बनेगी ना पानी की तो मटर घुल के ख़राब ना होंगे, जल्दी नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह से ये ओस बन रही है ना, तो उससे ख़राब भी नहीं होंगे, जल्दी नैपकिन सोख लेगी सारी ओसों। यहाँ पर मसाले भी डाल दिए, जीरा धनिया हल्दी और साथ डाल दिया नमक, और मसाले ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ खाने में। वैसे भी जब चिकन मटन बनता है तभी मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं, हल्के मसालों का यूज़ किया जाता है। वैसे अभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पे, तब मैं डालूँगी यहाँ पे आलू, और एक ही आलू डाली हूँ आज, एक आलू के चार से हल्के बड़े बड़े, बस को थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं, झटपट बन जाने वाला है ये लंच हमारा। और यहाँ पर जैसे मैं ट्रेनिंग से आई वैसे ही मैंने फटक से चावल भिगा दिए थे, तो इनको भी डालते हैं इसमें। तो खड़े मसाले डाले ना, उसी से काफ़ी अच्छा स्वाद भी आ जाएगा और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे भून चुका आलू और उसमें डाल देते चावल, आधे से बाहर निकल गए। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, तो चावल जो भिगाए थे उसमें थोड़ा सा पानी भी चले गया है, कोई बात नहीं, पानी अच्छे से निथर नहीं पाया शायद में। तो थोड़ा सा चावलों को मसालों के साथ अच्छे से भूनूंगी, तब तक ये पानी भी गायब हो जाएगा, तो उसको भूनती हूँ अच्छे से। फिर इसमें मैं ना गर्म पानी डालूंगी और उसके बाद हम उसमें लगा देंगे ढक्कन और लगा देंगे एक सीटी, तो हमारा पुलाव हो जाएगा रेडी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ढक्कन भी लगा दिया, अब सीटी आने का वेट है। कल दिया ने डिनर नहीं किया और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज तल के बनाए हैं, ये रात में बनाया उसने, और थोड़े मकैन भी फ्राई किए थे, तो बस यहाँ पे अब सीटी बसती है, तब तो बच्चे भी आ जाएंगे। 10 मिनट के अंदर पुलाव चढ़ा दिया है, बस सीटी का वेट कर रही हूँ और बच्चों का वेट कर रही हूँ। तो अभी बच चुका है 4:30 करीबन, तो मैं और दिया निकल चुके हैं थोड़ी सी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने हरी सब्ज़ी नहीं खाई है, पालक का कापा खास तौर से वो नहीं खाया है, तो आज हम पालक लेके आएंगे और पालक का कापा बनाएंगे कल। ये जैसे कैमरा ऑन करती है अपने बालों को भी देखती है, नमस्ते। तो पिछले दीदी भी जा रही है अपने घर, तो बस हम लोग फटाफट सब्जी लेके आते हैं, देखते हैं, पर खुद बीमार लगा ना मेरे साथ आइए तो फिट जाएगी मेरे से, मतलब सोचा तो नहीं था कि मुझे शेडिंग बनानी, बट अब मैं आ चुकी हूँ तो शेडिंग बना करके जाऊँगी। एक क्लिप निकाल दी है नहीं एक। ये जब भी आती है ना उस कुत्ते का नहीं रहने देते सारी, ये जो एक बार क्लिप है अच्छी। अरे अभी कितने सारी ले गई है ये, वो भी पहना नहीं रखी, खाली वैसी पड़ी हुई है, कभी इधर कभी उधर फेंक देती है जोई भी। क्यों नहीं लेके आए जोई को? मैंने कहा था परसों भी लेके आना, अब लेके आना। चलो मैं शॉपिंग आ रही है, देखो यहाँ पे आराम से कर रहे हैं, अंगूरी ना गिर जाएगी इसकी थैली, अखबार वाला रैपर एक। तो दिया ने मुझे जबरदस्ती ले आई है और यहाँ पे से डोनट पैक करा रही है, देखो कितने बड़े बड़े डोनट है। आपने डोनट का साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बना रखा है जब कोई और बेचने वाला दे तभी तो बात है, कंपटीशन है तो। आप ऑनलाइन भी देख कर देते हो ना? ऑनलाइन नहीं। तो अभी यहाँ पे जो मैं हरी सब्जी लेके आई हूँ पालक, तो उसको छाटा जा रहा है, तो और यहाँ पे बहन से ऑनलाइन वीडियो कॉल में गप्पे सप्पे चल रही है हम दोनों बहनों की। और यहाँ पे देखो इस तरह पहुंच चुकी है डांस क्लास से, और दिया का खुल गया पिटारा, जो अपनी माँ को ही लूट के आई है वही वाला पिटारा है। केक है वो कहाँ से लाए? सेलिब्रिटी नहीं, डिब्बा होता ही है, कहाँ से लाए? विनी हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह की अभी बजे हैं 7:30, और यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, और आज काफ़ी टाइम बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बन रहा है मैक्रोनी स्प्रिंग वाली मैक्रोनी बना रही हूँ आज बच्चों के लिए। तो ये रहा बच्चों का सुबह सुबह स्कूल का लंच बॉक्स, ये पैक होने वाला है। आश्रया तो स्कूल नहीं जा रही है, बट दिया जा रही है, तो दिया के लिए बन रहा है स्पेशली, आज काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। और यहाँ पे चाहिए पापा के बन चुका है दूध हल्दी वाला। आज मैंने बनाया यहाँ पे पालक का कापा, चावल जस्ट अभी चढ़ा रखे हैं
और यहाँ पे बन रहा है आज घी, क्योंकि मलाई काफ़ी खट्टी हुई थी तो मैंने कहा आज घी बना देते इसमें। और यहाँ पे बन चुके हैं डुबके, आज हम डुबका भात और पालंग का गप्पा खाएंगे। अब इसमें तड़का नहीं लगा, इसमें तड़का लगाना है। और दिया तो ये ली थी पास्ता, तब ये श्रेया ने मैंने डाल दिया, श्रेया को दे देती हूँ। बस सुबह का काम चल रहा है, अभी किचन पूरा फैला है। सुबह के एक बार के बर्तन धो दिए हैं, अभी फिर से और लंच हो के फिर और धुलेंगे, और 11 बजे जाना है ट्रेनिंग में, और अभी बजे 9:30। तो अभी लगभग सारा सुबह का लंच वाला काम हो चुका है, कपड़े डाल दिए मशीन में धोने के लिए, तो फटाफट नहाना धोना करते हैं। और अभी थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगानी रह गई है, तो फटाफट वो भी करती हूँ। और बस यही चल रहा है सुबह का भागा दौड़ी वाला काम, तो फटाफट करते हैं अभी तो फिर तैयारी, क्योंकि ट्रेनिंग में जाना है टाइम से। तो इसी के साथ ब्लॉग की ये पेंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।